एनआईटी पटना, जो कि कहाँ लोकेटेड है? बिहार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एनआईटी के बारे में। ऑलरेडी हमारे कॉलेज रिव्यू के 3 सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने 3 एनआईटीज के बारे में बता दिया है, तो वो आप ज़रूर देख लें। और ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस है उनके जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, आप देख रहे हैं स्टडी स्किल सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये है एनआईटी पटना की मेन बिल्डिंग की इमेज। अगर इसकी प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इतनी अच्छी इसकी प्लेसमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये एनआईटी पटना की मेन बिल्डिंग है, ये इसकी हॉस्टल की बिल्डिंग है। एनआईटी पटना के जो हॉस्टल है गर्ल्स और बॉयज़, ये उसकी बिल्डिंग की ये इमेज है। उसके बाद बात करें तो इसकी सीट प्लेसमेंट, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उनकी, तो ये आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ये कंप्यूटर लैब होगी इसकी, एनआईटी पटना की, ये भी इसकी कंप्यूटर लैब। तो आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, बेटर प्लेसमेंट है। उसके बात करें इसके बेसिक, इनके बेसिक कुछ फैक्ट्स की, तो इसका एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में, यानी कि ज़्यादा पुरानी ये नहीं है, लगभग 10 से 15 साल ये पुरानी है। कैंपस साइज़ की बात करें तो 60 एकड़ का इसका कैंपस साइज़ है, 110 इसमें फैकल्टीज़ हैं, और टोटल एनरोलमेंट अब तक स्टूडेंट्स के वो कितने हैं, 2546, 2546 इसके स्टूडेंट्स एनरोलमेंट अब तक जो है वो हो चुके हैं। आगे बात करें इसके रैंकिंग की, तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो है 134, 134th इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। उसके बाद बात करें इसके हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट इसका पैकेज जो प्रीवियस ईयर में रहा था वो था 39.12 लाख पर एनम, यानी कि 39,12,000 पर एनम का इसका हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर जो है वो रहा था। एवरेज पैकेज की बात करें तो इसका 7,71,000, 7,71,000 इसका पर एनम का एवरेज जो है वो पैकेज है, यानी कि आपकी सैलरी भी ज़्यादा बेटर है इस एनआईटी पटना में। उसके बाद का बात करें इसकी फ़ीस को लेकर, जो इसकी इंस्टीट्यूट फ़ीस है उसको लेकर बात करें, तो इंस्टीट्यूट से फ़ीस आपकी टोटल रहेगी 98,700, यानी कि 98,700 रुपये, जिसमें ये सब आपके इंक्लूडेड होंगे। पर सेमेस्टर की रहेगी आपकी ये फीस, पर सेमेस्टर की है, एक सेमेस्टर की आपकी 98,700 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। उसके बाद हॉस्टल फीस की बात करें तो इसका टोटल नहीं किया हुआ, अपने कर लेते हैं, कितना हो गया टोटल, 29,500 रुपये, 29,500 रुपये इसकी हॉस्टल फीस रहेगी पर सेमेस्टर की आपकी इस एनआईटीज की। आगे बात करें इसकी फैसिलिटीज में, तो बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा आपको, गर्ल्स हॉस्टल भी मिलेगा, जिम है, स्पोर्ट्स, वाईफाई, लेबोरेटरीज, बैंक एटीएम फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी मिलेगी, मेडिकल इसका हॉस्पिटल है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कन्वेंस स्टोर है, और एलुमिनी एसोसिएशंस है। ये आपको इस एनआईटीज में फैसिलिटीज़ जो है वो प्रदान की जाएगी, तो मच बेटर है ये फैसिलिटीज़। रिक्वायरिटीज़ की बात करें तो ये इस कॉलेज की रिक्वायरिटीज़ है, ये आप देख सकते हैं। रिक्वायरिटीज़ किसको बोलते हैं, आम भाषा में बात करें तो जो कंपनीज होती है वो कितनी विजिट करती है इस कॉलेज में, इस एनआईटी में, उसको लेकर बोलते हैं रिक्वायरिटीज़। तो कंपनी विजिटिंग को बोलते हैं रिक्वायरिटीज़, तो ये कंपनियां इस जो एनआईटीज़ में है वो हर साल विजिट करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आगे बात करें इसकी जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंकिंग रही थी उनको लेकर, और इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं उनको लेकर।
नंबर फर्स्ट आपका रहेगा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसकी आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक रही थी 24,854। उसके बाद है एमएससी मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड, जिसकी आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक रही थी 40,596। नेक्स्ट है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक रही थी 29,949। आगे है एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड, जिसमें आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक रही थी 42,827। उसके बाद बात करें एमएससी केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड 2018 की, तो इसमें रैंकिंग 2018 की रही थी 51,233। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक रही थी 31,332। नेक्स्ट है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक थी 18,310। आपका नेक्स्ट है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी 2018 की क्लोजिंग रैंक थी 29,675। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी NIT पटना, जो कि बिहार में लोकेटेड है, उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। तो वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही अदर कॉलेज रिव्यूज़ के वीडियोस पाने के लिए। अगली कौन सी NITs के बारे में बताया जाए वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।